सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। IPL 2020 के लिए अब टीमों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि IPL 2020 में अब सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम बाकी रह गया है और IPL 2020 का शेड्यूल किसी भी पल रिलीज़ हो सकता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 3 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम और सनराइज़ हैदराबाद टीम के निकल के आई है। तीनों खबर की डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं कर तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करें सबसे पहली न्यूज़ की। जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सनराइज़ हैदराबाद के खेमे से। तो सनराइज़ हैदराबाद की टीम IPL 2020 की सबसे स्टेबल टीम है, क्योंकि इन्होंने अपने स्क्वाड में बहुत कम चेंजेस किए हैं, लेकिन इन्होंने अपने कोचिंग डिपार्टमेंट में इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। जहाँ पर इन्होंने रिसेंटली अपने हेड कोच को चेंज किया था और ट्रेविल बायलिस जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, इनको इन्होंने अपना हेड कोच बनाया था। इसके अलावा इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने ट्रेनर को भी चेंज कर दिया है, मैरियो, उसके साथ जो उनका नाम है बहुत डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, विलेवरन को इन्होंने अपना न्यू ट्रेनिंग कोच बनाया है। बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, फिर भी कोशिश किया कि इनको प्रोनाउंस कर सकूँ। मैं आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश के ट्रेनर हैं, जहाँ पर ये बांग्लादेश की टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के IPL का कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया है। जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आए चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से, जहाँ पर कुछ टाइम पहले मैंने आपको बता दिया था कि चेन्नई सुपर किंग्स का स्टेडियम है MH चिदम्बरम स्टेडियम, उसके जो तीनों बन स्टैंड है वो IPL 2020 के लिए खुलने वाले हैं। जहाँ पर अब MH चिदम्बरम स्टेडियम को अप्रूवल मिल गया है और अभी वो रेनोवेशन में जाने वाला है। जब IPL 2020 से पहले वो स्टेडियम पूरा रेनोवेट हो जाएगा, 3 स्टैंड को भी खोल दिया जाएगा, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर है, फैंस के लिए अच्छी खबर है, कुछ ज़्यादा फैंस आ पाएंगे और BCCI के लिए भी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो खबर है बहुत ही अच्छी खबर है। जो तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब के खेमे से, जहाँ पर आपको पता ही होगा किंग्स इलेवन पंजाब के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर क्रिस गेल अभी क्रिकेट से बाहर है, उन्होंने अभी रेस्ट लिया है इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जहाँ पर इतने टाइम तक अगर वो क्रिकेट से बाहर रहेंगे तो ऑब्वियसली उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, इसी के वजह से उन्होंने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने यही कहा है कि मैं अभी नेपाल T20 लीग में खेलने वाला हूँ ताकि IPL 2020 के लिए मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और IPL 2020 में मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ। तो ये तो थे 3 बहुत ही बड़ी अपडेट जो SRS, CSK और किंग्स इलेवन पंजाब के लिए निकल के आई है। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।